हेलो गाइस, वेलकम टू द साइंस न्यूज़। ह्यूमन ब्लड यानी इंसानी खून। दोस्तों, खून हमारे शरीर के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है, जो हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स यानी अंगों को आपस में जोड़कर रखता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सभी खून की वजह से ही जिंदा रह पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की मदद से जानेंगे कि हमारे शरीर में खून कैसे बनता है, यानी खून का निर्माण हमारे शरीर में कैसे होता है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि खून का हमारे शरीर में क्या काम है। 3D एनिमेशन की मदद से किसी भी चीज़ को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर आप भी साइंस की वीडियोस को 3D एनिमेशन की मदद से समझना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं द साइंस न्यूज़ को। तो चलिए अब जानते हैं हमारे ब्लड के बारे में। दोस्तों, आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि खून हमारे शरीर में हड्डियों में बनता है। ये जानने के लिए कि खून हमारे हड्डियों में कैसे बनता है, हमें पहले ये जानना होगा कि खून किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी खून में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। तो आइए पहले इसे जान लेते हैं। हमारा खून 4 चीज़ों से मिलकर बना है, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है और बाकी के बचे ये 3 पार्ट ब्लड के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम अपने ब्लड के कुछ हिस्से को ले और उसमें से ब्लड के इन पार्टिकल्स को अलग करें, तो उस ब्लड से हमें 55% प्लाज्मा, 41% रेड ब्लड सेल्स, 3% वाइट ब्लड सेल्स और 1% प्लेटलेट्स मिलता है। हमारे शरीर में ब्लड के इन सारे पार्टिकल्स का क्या काम है, पहले इसे जान लेते हैं। प्लाज्मा, हमारा खून 55% प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा 90% पानी से मिलकर बना होता है, बाकी इसके 10% में प्रोटीन और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। प्लाज्मा पीले रंग का होता है। अगर हम इसे खून से अलग करें तो ये हमें पीले रंग का दिखाई देता है। प्लाज्मा का सबसे पहला काम ब्लड में मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स को मूवमेंट कराना है। खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स सॉलिड स्टेज में होते हैं, इसलिए वो खुद से मूवमेंट यानी गति नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको मूवमेंट कराने का काम प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा में 2 प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। ये दोनों प्रोटीन खून को जमाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारा शरीर कहीं कट जाता है, तब खून शरीर से बाहर निकलने के थोड़ी देर बाद जम जाता है। ऐसा प्लाज्मा में मौजूद इन्हीं 2 प्रोटीन के कारण होता है। प्लाज्मा में हेपरिन नाम का एक और प्रोटीन होता है, जो खून को जमने से रोकता है। अगर प्लाज्मा में हेपरिन ना हो, तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीन खून को शरीर के अंदर ही जमा देंगे। हेपरिन खून को शरीर के अंदर जमने से रोकता है, लेकिन हवा के संपर्क में आने से हेपरिन मर जाता है। इसलिए जब खून शरीर से बाहर निकलता है, तब हेपरिन के मर जाने के कारण फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हो जाते हैं और खून को जमा देते हैं। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को शॉर्ट में RBC भी कहते हैं। ये हमारे ब्लड में 41% होते हैं। हमारे पूरे शरीर के खून में इनकी संख्या 55 लाख के आसपास होती है। ये लाल रंग के होते हैं। इन्हीं के कारण हमारे खून का कलर लाल दिखाई देता है। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी ये खून में 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। खून में रेड ब्लड सेल्स की कमी होने के कारण ही एनीमिया नाम की बीमारी होती है, जिसे रक्त अल्पता यानी खून की कमी भी कहते हैं। इसलिए एनीमिया होने पर डॉक्टर आयरन की टैबलेट देते हैं। हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स किसी टैक्सी की तरह काम करते हैं। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल्स से मिलकर बना हुआ है, और हर सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की और कुछ न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स का काम ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को ढोना है। रेड ब्लड सेल्स बॉडी के हर सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम करते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर हमारे शरीर के बॉडी सेल्स तक पहुंचाते हैं, और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस फेफड़ों को दे देते हैं। वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स को शॉर्ट में WBC भी कहते हैं। ये हमारे ब्लड में सिर्फ 3% ही होते हैं। इनका कलर सफ़ेद होता है और ये ब्लड के सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं। इनकी संख्या पूरे ब्लड में 10,000 के आसपास होती है। वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल सिर्फ 4 दिन का होता है, यानी ये 4 दिन में ही मर जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का काम हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ना है। वाइट ब्लड सेल्स ही हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक प्रणाली होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते हैं। जब हमारे शरीर में बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस घुसकर अटैक करते हैं, तब वाइट ब्लड सेल्स उन्हें ढूंढकर मार देते हैं। इस तरह से वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर को बीमारियों और रोगों से बचाते हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स खून में सिर्फ 1% ही होते हैं। इनकी संख्या हमारे शरीर के पूरे खून में 2 लाख के आसपास होती है, और इनका जीवन काल सिर्फ 7 दिन का होता है। ये खून में सिर्फ 7 दिन तक ही जिंदा रहते हैं।
प्लेटलेट्स का काम हमारे खून को शरीर से बाहर बहने से रोकना है। जब हमारा शरीर कहीं कट जाता है तब प्लेटलेट्स वहां इकट्ठा होकर उस जगह को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं ताकि वहां से ज़्यादा खून हमारे शरीर से बाहर ना निकल पाए। प्लेटलेट्स हमारे शरीर को ताकत देने का भी काम करते हैं क्योंकि इसमें कुछ हार्मोन्स और प्रोटीन होते हैं। हमने ब्लड के सारे पार्टिकल्स और उनके काम को जान लिया। आइए अब जानते हैं हमारे शरीर में खून कैसे बनता है। हमारे शरीर में खून हड्डियों में बनता है। हमारे शरीर में जितने भी लॉन्ग बोन्स यानी बड़ी हड्डियां हैं उन्हीं में खून का निर्माण होता है। हमारी हड्डी के अंदर लाल रंग की स्पंजी टिश्यू होते हैं, इन्हें अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो कहते हैं। अगर आप नॉनवेज खाने वाले हैं तो आपने हड्डियों के अंदर लाल रंग की कुछ मटेरियल को जरूर देखा होगा। इस लाल कलर के मटेरियल को ही बोन मैरो कहते हैं। इन बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं। यही स्टेम सेल्स हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को बनाने का काम करते हैं। बोन मैरो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाने की फैक्ट्री होती है। हमारे शरीर की हड्डियाँ सिर्फ खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को ही बनाने का काम करती है। हमारे खून में मौजूद प्लाज्मा को बनाने का काम हमारा लीवर करता है। प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन को बनाने का काम हमारा लीवर ही करता है। उम्मीद है कि आप ये अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि खून का निर्माण हमारे शरीर में कैसे होता है और खून का हमारे शरीर में क्या काम है। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज हमारा साइंस बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। इसी की वजह से आज दुनिया में हर दिन नई नई खोज और आविष्कार होते रहते हैं। ऐसी ही नई नई खोज और आविष्कार की जानकारी से हमेशा अपडेट रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे नए चैनल साइंस न्यूज़ टीवी को। इस चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर जाकर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी की नॉलेज से हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें द साइंस न्यूज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।